बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लास 12th है और सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। तो चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे थे, ईंटें मनके तथा अस्थियां, ये उसी का पार्ट नंबर है 3rd। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक है आज का हमारा मोहनजोदड़ो के ऊपर, जो कि है एक नियोजित शहरी केंद्र। अब इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे, तो सबसे पहला रहेगा दुर्ग के बारे में, फिर निचले शहर के बारे में और फिर स्नानागार की विशेषताओं के बारे में। फिर हम समझेंगे यहाँ पे सड़कों और गलियों की क्या क्या विशेषता रही थी और गृह स्थापत्य कला शैली कैसी थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन, जिसमें मनके बनाने की प्रक्रिया थी, सेल खड़ी से मनका कैसे बनाया जाता था और कालीन से मनका कैसे बनाया जाता था। शुरुआत करते हैं टॉपिक फर्स्ट से, एक नियोजित शहरी केंद्र जो कि है मोहन जोदड़ो। तो मोहन जोदड़ो के बारे में मैंने आपको पहले बहुत सारी चीजें बता रखी है, जैसे कि इसकी खुदाई जो है वो 1921 में हुई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान के, अगर हम पाकिस्तान के एरिया की बात करें तो यहाँ पे एक लड़काना जिला है, वहां पे स्थित है ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा शहर माना जाता है और यहाँ पे हमें बहुत बड़ा मृतकों का, जो मृतक होते हैं उनका टीला भी मिला है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि पुरोहित आवास मिले हैं, घर में बहुत सारे कुएं मिले हैं, विशाल स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, सूती वस्त्र मिले हैं, सबसे चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं, सभागार, पशुपति, शिव, कांसे की मूर्ति, तांबे की ढेरी, ये बहुत सारी चीजें यहाँ से हमें देखने को मिली हैं। और एक चीज और, यहाँ पे मोहनजोदड़ो के अन्नागार जो है, यानी कि अन्नागार जो थे वो सबसे बड़े अन्नागार माने जाते हैं, क्योंकि हड़प्पा स्थल पे भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो में भी। तो मोहनजोदड़ो के जो अन्नागार है वो काफी बड़े हैं और प्रसिद्ध है। आपका का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सर्च में लिखना है जस्ट स्मार्ट नॉलेज और आपको जो चैनल का आइकन मिलेगा इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यह टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो पेन पहले ले लेते हैं, येलो। हाँ, दुर्ग के बारे में बात करेंगे। तो दुर्ग को बताने से पहले निचले शहर की एक विशेषता ये कि निचले शहर में कैसे भवन थे, आवासीय भवन, लेकिन जो दुर्ग था यहाँ पे भवन ऐसे थे जिनका उपयोग मुख्यतः सार्वजनिक प्रयोग में किया जाता होगा। ठीक है, दुर्ग से हमें माल गोदाम मिला है। माल गोदाम ये एक ऐसा निचला, मतलब माल गोदाम का जो निचला हिस्सा था वो किससे बना हुआ था, ईंटों से। ठीक है, हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। और ये भी देखा गया कि निचला हिस्सा चलो ईंटों का बना हुआ है लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है वो नष्ट हो गया है। ठीक है, जो कि संभवतः लकड़ी का बना होगा, क्योंकि अगर ईंटों का होता तो बना रहता, लकड़ी का होगा इसलिए वो खत्म हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई। इतिहासकारों का मानना ये है कि दुर्ग जो है उसमें राजा रहा करते होंगे और वहां से अपना शासन चलाते होंगे, क्योंकि ऐसा जो इतिहासकार वो मानते हैं कि दुर्ग में जो सार्वजनिक उपयोग के लिए जो जब जो भवन वगैरह बने हुए थे, ठीक है, उनका उपयोग कौन करेगा, राजा करेंगे। ठीक है, सभाएं होंगी वहां पे, दरबार लगेगा, तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि राजा यहाँ पे निवास करते हुए और शासन चलाते होंगे दुर्ग में। ठीक है, फिर बारी आती है निचले शहर की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, अंतिम संस्कार करके अपने जो लोग थे उनको दफनाते होंगे, तो ये दुर्ग में भी होता था, निचले शहर में भी होता था। ठीक है, इसका जो निर्माण था निचले शहर का वो दुर्ग से काफी अलग किया गया था। कैसे किया गया था, दुर्ग के मुकाबले निचला शहर काफी बड़ा था, साथ ही साथ चारों ओर से जो निचला शहर था उसके घर जो थे वो दीवार से घिरे हुए थे और इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की भी आवश्यकता पड़ती थी। साथ ही साथ जब श्रम की आवश्यकता पड़ेगी तो सिंपल सी बात है भाई, उनको चलाने के लिए, ठीक है, श्रम के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो व्यापार करना होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के सामने आती हैं। तो निचले शहर की दो ही तीन विशेषताएं हैं, दुर्ग से अलग निर्माण, दुर्ग से काफी बड़ा, बनाने के लिए बहुत सारा पैसा और बहुत सारा श्रम की आवश्यकता पड़ती है, बस ये आपको चीजें याद रखनी। तो दुर्ग और निचले शहर में कोई ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बस एक दो विशेषताएं जो आपको याद रखनी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, हाँ, दुर्ग में पाए गए स्नानागार की विशेषता है। तो स्नानागार की एक फोटो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मुझे पेन दूसरा देना पड़ेगा। ये यहाँ पे तल है, ठीक है, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ ये देख सकते हैं कमरे टाइप में है और ऊपर जब यहाँ से आप इस एरिए से ऊपर जाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, इधर ऊपर भी कमरे थे। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला, जलाशय धौलावीरा से। तो स्नानागार की क्या क्या विशेषता है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली विशेषता, आंगन में जो स्नानागार थे
वो एक आयताकार थे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक तरीके के आयताकार जलाशय है। ठीक है, कैसा है? आयताकार जलाशय था, तो चारों ओर से एक गलियारे से, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक जो है वो गलियारा है, ये गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसको उत्तरी और दक्षिणी भागों में सीढ़ियां होती थी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, लेकिन यहाँ पे अभी दिखाया नहीं गया है। तो नॉर्थ पोल पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियां हुआ करती थी। ठीक है, जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे को जलबद्ध किया जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आसपास का जो एरिया है उसको जिप्सम का गारा, यानी कि जो मिट्टी का गारा होता है ना, उसी के तरीके का जिप्सम का गारा होता है, तो उसी से इसे मतलब कि बनाया गया था। ठीक है, अगली विशेषता क्या है कि इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। ठीक है, तीनों ओर इसके कक्ष बने हुए थे जिसमें बहुत बड़ा एक कुआं हुआ करता था, और इसी कुएं में मतलब कि ऐसे बहुत सारे कुएं भी होते थे, और जलाशय से पानी जो था वो कहाँ जाता था? अब देखो, जलाशय में पानी है, कभी ना कभी तो गंदा होगा, तो निकलने के लिए कहाँ जाएगा? तो निकलने के लिए ये एक बड़े नाले में बह जाता था। साथ ही साथ उत्तर में एक गली थी, ठीक है, नॉर्थ पोल में यहाँ पे कह सकते हैं कि एक गली थी जो कि अपेक्षाकृत बहुत छोटी थी, और जहाँ पर जो ये बड़ा एक स्नानागार है, इस बड़े स्नानागार से छोटे छोटे 8 स्नानागार वहाँ पे बनाए गए थे। स्नानागार के लिए या फिर स्नानागार कह लीजिए। ठीक है, एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार होते थे। साथ ही साथ प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाली से मिलती थी, और किसी विशेष अनुष्ठानी स्नान के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। तो स्नानागार की विशेषताओं को आप एक बार दोबारा से समझिए ताकि कोई डाउट ना रह जाए। देखो, सबसे पहला, स्नानागार जो थे वो आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो कि चारों ओर किससे घिरा हुआ था? एक गलियारे से। इसके तल तक जाने के लिए उत्तरी दक्षिण में, उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां होती थी। इसको इसके जो किनारे थे उसे जिप्सम के गारे से मिलाकर जमाकर बनाया गया। साथ ही साथ इसके तीन ओर कक्ष बने हुए थे जिसमें एक बड़ा कुआं भी हुआ करता था। जलाशय को जो पानी था गंदा हो जाएगा, तो उसे निकालने के लिए कहाँ भेजा जाता था? एक बड़े नाले में। ठीक है, जलाशय के उत्तर में एक गली होती थी जो कि बहुत छोटी होती थी, और यहाँ पे छोटे छोटे 8 स्नानागार पाए जाते थे, सॉरी स्नानागार। ठीक है, एक गलियारे के दोनों ओर 4 4 स्नानागार, यानी कि टोटल जो थे वो 8 स्नानागार होते थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां जो थी वो मतलब नालियां जो थी वो गलियारे के साथ साथ नालों में निकलती थी, यानी कि मिलती थी एक तरीके से। इसका उपयोग जो है हम वो कह सकते हैं कि जब कोई अनुष्ठानिक स्नान किया जाता होगा राजा के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तब इसका उपयोग किया जाता होगा। तो ये है दुर्ग के स्नानागार की विशेषता। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी इजी तरीके से। अब समझिए अगला, सड़कों और गलियों की विशेषता। सड़कों और गलियों की क्या क्या विशेषता नहीं थी भाई? देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेशद्वार। ये क्या है? ये एक नाली है, कहाँ की? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक नाली है और उसका प्रवेश द्वार। तो सड़कों तथा गलियों को लगभग एक पद्धति में बनाया गया था जिसे कहते थे ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति थी, इसके अंतर्गत ये जो सड़कें और गलियां थी ये आपस में एक दूसरे को संपूर्ण बने, यानी कि गली और सड़क ये एक दूसरे को इस 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। ठीक है, यानी कि मिलती थी एक तरीके से। कैसे? तो हुआ कुछ यूं कि जो नालियां थी उनके साथ साथ गलियों को बनाया जाता था, और फिर अलग आपस में अगल बगल जो थे वो आवासों का निर्माण किया जाता था। यानी कि देखो क्या हुआ कि नालियां जो थी वो ग्रिड पद्धति में बनी होती थी। ठीक है, और समकोण पर बनी होती थी। तो पहले क्या होता था कि पहले नालियों को बना दिया जाता था, नालियों को, और फिर इस तरीके से गलियों को। एक सेकंड रुको, देखो मान लीजिए ये एक नाली है। ठीक है, एक ये नाली है, ये सड़क के आसपास की नाली है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये बीच में है सड़क। तो जब ये बन गई तब इसके आसपास में यहाँ क्या होते थे? घर बनाए जाते थे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और प्रत्येक घर जो था उसकी एक दीवार का गली से सटा होना, यानी कि जितने भी ये घर बनेंगे हर एक घर की एक दीवार जो थी वो किससे सटी होगी? जो नाली है उससे सटी होगी। ठीक है, नाली के लिए या गली के लिए एक ही बात है। उसके बाद पहले जो था वो बस्ती का नियोजन किया गया था, यानी कि पहले देखा गया था कि हमें किस तरीके से इसे बसाना है, उसके बाद इसे कार्यान्वित किया गया कि हमने देख लिया इसे ऐसे बनाना है, इसे ये करना है। एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो पहले ही तैयार कर लिया गया था कि हमें क्या क्या करना है। ईंट जो थी उसे भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाया गया हो, वो एक ही निश्चित अनुपात में, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें भवनों की, नालियों की, सड़कों की, तो
तो वहाँ पर ईंटों का उपयोग किया जाता था, जो कि धूप में सुखाकर कह लीजिए, भट्टी में पकाकर कह लीजिए, बनाई जाती थी। ये एक निश्चित अनुपात की होती थी। इनकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुना और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, तो सड़कों गलियों की क्या क्या विशेषता रही है ये आपको इजीली तरीके से यहाँ पे आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, गृह स्थापत्य कला शैली। तो अब आपके दिमाग में सड़कों और गलियों के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी गई हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है गृह स्थापत्य कला शैली। तो सबसे पहले आप एक गृह देखिए, मतलब घर देखिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्या है, ये है इसका मुख्य द्वार। ठीक है, इस मुख्य द्वार से आपको ये जो आंगन है ये दिखाई दे सकता है, नहीं दे सकता, तो ये एक विशेषता होगी इसकी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि इस मुख्य द्वार से आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही भाग यहाँ से देख सकते हैं, तो ये इसकी विशेषता है कि निजित तो है। दूसरा, इसके यहाँ पे किसी भी एरिया पे आपको, मतलब जो नीचे का एरिया है यहाँ पे कहीं पे आपको खिड़की देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो घर है जब आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो इसकी दहलीज थोड़ी सी ऊंची उठी हुई थी। तो बहुत सारी विशेषता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये सीढ़ी बनी है। ठीक है ना, ऐसा लगता है ये सीढ़ी बनी हो, लेकिन एक्चुअली वो सीढ़ी नहीं है। तो बहुत सारी विशेषताएं आपको यहीं पे पता चलेंगी। अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का जो है उदाहरण देता था, प्रस्तुत करता था। ठीक है, आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, आंगन है, और इसके ये चारों तरफ क्या है, छोटे 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 कमरे हैं। ठीक, उसके बाद आंगन का उपयोग मुख्यतः खाना पकाने के लिए, कताई का कार्य करने के लिए किया जाता होगा, या फिर अन्य कार्यों के लिए। ठीक है, निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे खिड़कियां नहीं थी, और आंगन का आप यहाँ से सीधा अवलोकन नहीं कर सकते, जो कि एक निष्ठा का प्रमाण है। हर घर की ईंटों को फर्श से बनाया गया था, और सभी घरों में एक नालागार होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, दोबारा समझा देता हूँ। देखो, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे विशेषता है। इसमें आंगन के चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी हैं वो आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया है। फिर जब कमरों का निर्माण हो गया तो आंगन का उपयोग किस लिए किया जाता होगा, खाना पकाने के लिए, कताई का काम करने के लिए, या फिर अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। फिर क्या हुआ कि निचले कमरों में यहाँ पे आप देख सकते हैं खिड़कियां नहीं है बिल्कुल भी, और इस दरवाजे से आप आंगन को सीधा नहीं देख सकते हैं। और साथ ही साथ हर घर में ईंटों के फर्श से बना हुआ एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां हमेशा इस दीवार से, इधर जो सड़कों की जो नालियां होती थी उससे जुड़ी हुई होती थी। तो ये है गृह स्थापत्य कला शैली। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आई होप कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और भी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि कई जो आवास थे वहां पर कुएं मिले हैं। ठीक है, कुएं मिले हैं जो कि ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से कोई आया आया जा सकता था, जिनका प्रयोग सुविधा राहगीरों द्वारा किया जाता, यानी कि कुछ ऐसे कक्ष भी थे, ठीक है, जहां पर हमें कुएं मिले हैं, और इन कुओं का उपयोग जो राहगीर थे उनके द्वारा भी किया जाता होगा ऐसा माना जाता है। उसके बाद कुछ घरों में दूसरे तले यानी कि दूसरी मंजिल सेकेंड फ्लोर तक जाने हेतु सीढ़ियों के हमें अवशेष देखने को मिले हैं। और उसके बाद विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में लगभग हमें 700 कुएं मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गई मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली। फिर उसके बाद आएगा हमारे यहाँ पे शिल्प उत्पादन। तो मोहनजोदड़ो के बाद में जितने पॉइंट हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले दुर्ग स्नानागार की क्या क्या विशेषताएं रही हैं ये हमने देख ली है सारी की सारी। ठीक है, फिर हमने देखा सड़कों और गलियों की क्या क्या विशेषताएं रही हैं इसके बारे में, एंड देन गृह स्थापत्य कला शैली इसके बाद। ये चीज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। तो शिल्प उत्पादन को समझने से पहले आप थोड़ी जानकारी इस बारे में हासिल कीजिए कि शिल्प उत्पादन जो था उसके अगर हमें केंद्रों की पहचान करनी तो वो कैसे की जाती थी। तो ये इस तरीके से की जाती थी जहाँ पर कुछ ये निम्नलिखित वस्तुएं पाई जाए। अब देखो, कोई उत्पादन केंद्र है तो वहाँ पे उसके प्रस्तर पिंड हमें मिलने चाहिए, पूरे शंख मिल सकते हैं, तांबा मिल सकता है, अयस्क मिल सकते हैं, मतलब तांबा अयस्क मिल सकता है, वहाँ का कच्चा माल मिल सकता है,
कुछ औजार मिल सकते हैं, अपूर्ण वस्तु मिल सकते हैं, या फिर त्याग दिया गया माल, या फिर कूड़ा करकट देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें किसी शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान करनी है तो वहां पे ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। कुछ मिल जाएंगी तो भी हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये एक शिल्प उत्पादन केंद्र था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, मनकों के निर्माण के लिए जो पदार्थ उपयुक्त किए जाते थे, ठीक है, जिनका प्रयोग किया जाता था वो कौन कौन से थे। तो शिल्प उत्पादन का उपयोग बेसिकली था मन के बनाने के लिए, ठीक है, मन के निर्माण की प्रक्रिया के लिए। तो किस किस तरीके के पदार्थ उपयोग होते थे, तो सबसे पहले समझेंगे पत्थर। तो पत्थर में कार्नेलियन, ठीक है, कार्नेलियन, ठीक है, क्या नाम है, कार्नेलियन, जो कि काफी महंगा होता था, ये सुंदर और लाल रंग का होता था। जैस्पर, क्वार्टज और सेलफड़ी। तो पत्थर से संबंधित ये तीन तीन चार याद रख लेंगे। फिर आती है धातु, तो धातु में तांबा, कांसा और सोना, ये याद रख लेंगे। उसके बाद शंख, फयांस, पकी हुई ईंटों का उपयोग भी किया जाता था, ठीक है। और देन आकार की बात करें तो आकार में हम चक्राकार भी दे सकते थे, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार या फिर खंडे, अलग अलग तरीके से हम इसे दे सकते थे आकार। सॉरी, हाँ, ये चीज आपको समझ में आ गई। मनकों के निर्माण के लिए प्रयुक्त पदार्थ, तो पत्थर कौन कौन से थे, तांबा मतलब धातु कौन से थे, फिर आकार किस तरीके का हम दे सकते थे, सिंपल सा। अब यहाँ पे समझिए मन के बनाने की आखिर प्रक्रिया क्या होती थी। तो प्रक्रिया में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को आकार देकर उसकी घिसाई की जाती थी, ठीक है, यानी कि मन का बनाना है तो हमें जो पदार्थ हमें उपयुक्त किया गया है, कौन कौन सा पदार्थ, ये जितने भी पदार्थ थे, ठीक है, इनको उपयुक्त किया गया है, तो हमें क्या करना है, इसको आकार देना है, फिर इसकी घिसाई करनी है। उसके बाद उसके ऊपर हम चित्र उत्कीर्ण करते थे, यानी कि उस पर चित्र हम बनाया करते थे, चित्र उस पर उकेरा करते थे, ठीक है। इसके बाद उस पर पॉलिश की जाती थी, जब पॉलिश कर दी गई तो मनके के अंदर जो छोटे छोटे औजार थे उनसे छिद्र किए जाते थे, यानी कि उन पर छेद किए जाते थे, ठीक है। और अंत में इन मनकों को एक छोट, ये जो मनके होते हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाता था, एक माला में इस तरीके से पिरो दिया जाता था, ठीक है, और मनकों की माला बनकर तैयार हो जाती। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं औजार तथा मन के, तो ये एक औजार हो जाता है और ये मन का हो जाता है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो मन के बनाने की प्रक्रिया कैसी थी, समझ में आ गया आप सभी को। तो सबसे पहले तो जो पदार्थ मन के बनाने में उपयुक्त किया जाएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम क्या करेंगे, पहले आकार देंगे फिर उसकी घिसाई करेंगे। आकार घिसाई कर दी, उस पर हम चित्र उकेरेंगे, चित्र उकेर दिया फिर उसकी उस पर पॉलिश करेंगे, पॉलिश कर दी, छोटे छोटे औजारे से उसमें छेद करेंगे, छेद करने के बाद उसे एक माला में पिरो कर मनके की माला तैयार हो जाएगी, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा ये है। अब दो चीजों के बारे में, मन का कैसे प्राप्त किया जाता था, अच्छा ये फ्यान से बना एक पात्र है, ठीक है ना। तो अब देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। हाँ देखो बेसिकली क्या है, एक सेकेंड मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ तो मन के बनाने के लिए एक तो है सबसे पहले यहाँ पे सेल खड़ी, एक सेकेंड मैं इसे हटा देता हूँ। एक है यहाँ पे सेल खड़ी, लिख देता हूँ ऐसे, और दूसरा है कालीनियन, कालीनियन। तो सबसे पहले सेल खड़ी को समझिए। तो सेल खड़ी जो है वो क्या है, एक मुलायम पत्थर है, ठीक है, सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है जिस पर हम आसानी से कार्य कर सकते हैं, साथ ही साथ सेल खड़ी को हम किसी भी तरह का आकार दे सकते हैं। और उसके बाद कुछ मनके जो थे वो सेल खड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे, यानी कि अगर हम बात करें कि मनका बनाने की सबसे सरल प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, तो वो आती है सेल खड़ी के अंतर्गत, क्योंकि ये मुलायम पत्थर है, आसानी से कार्य किया जा सकता है, जो चूर्ण है उसे आसानी से बनाया जा सकता है और किसी भी तरह से आकार दिया जा सकता है। दूसरा आता है कालीनियन। तो कालीन जो है वो एक लाल रंग का, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग से पकाकर प्राप्त किया जाता है, यानी कि कालीनन का जो लाल रंग है वो पीले रंग के कच्चे माल और उसके उत्पादन के जो विभिन्न चरण हैं उनको जब आग में पकाते हैं तब प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि सेल खड़ी से कहीं ज्यादा मेहनत का काम, कहीं ज्यादा पैसे वाला काम कालीन के अंतर्गत होता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये चीज है, पत्थरों के पिंडों को पहले क्या करते हैं, यानी कि कालीन जो पत्थर है उसके पिंडों को अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता है, यानी कि पहले उसको एक सही आकार में तोड़ते हैं,
और फिर बारीकी से धीरे धीरे करके उसके जो शल्क होते हैं उसको निकाल दिया जाता है और फिर अंतिम रूप दे दिया जाता है। उसके बाद उसकी घिसाई की जाती है, पॉलिश की जाती है, विच्छेद किए जाते हैं और ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मनके बनाने के जो हमें उपकरण कह लीजिए या फिर साक्ष्य कह लीजिए, वो हमें चौंदड़ों से, लोथल से मिले हैं और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने का जो विशेष उपकरण है वो देखने को हमें मिले हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। मन के बनाने की प्रक्रिया सेल खड़ी की कैसी है? काफी मुलायम पत्थर होता है सेल खड़ी का, ठीक है, आसानी से कार्य किया जा सकता है। सेल खड़ी को हम पीस कर उसके चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर किसी भी तरह का आकार दे सकते हैं और कालीन जो है वो काफी विभिन्न चरणों से उससे मन का प्राप्त करते हैं। पहले अस्फटिक जो मतलब कि उसके आकार दिया जाता है, बारीकी से शल्क निकाले जाते हैं, अंतिम रूप दिया जाता है, घिसाई की जाती है, पॉलिश छेद किए जाते हैं, चौंदड़ो लोथल धौलावीरा यहाँ से हमें छेद करने के उपकरण वगैरह इस तरीके से मिले। तो मन के बनाने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे एंड होती है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो ये था शिल्प उत्पादन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, तो इस तरीके से आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।